हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शीशावत। बहुत दिनों से ब्लॉग शूट नहीं किया था, बिज़ी थी। और जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं हरिद्वार से भिलवाड़ा का ब्लॉग बनाऊंगी मिशिका के साथ, पर मैं नहीं बना पाई किसी रीज़न से, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम मिशिका को बाहर ले जा रही थी। तो मैंने सोचा कि मुझे मिशिका पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और कोई लापरवाही नहीं करना चाहती थी मैं, इस वजह से मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया। और आज हम जा रहे हैं भिलवाड़ा को एक्सप्लोर करने के लिए। अब पता चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमें भी नहीं पता है। और यहाँ है रानी और मिशिका। मिशी, तो अब फाइनली अभी जाते हैं, देखते हैं कहाँ जाना है। और मैं भी तैयार हो चुकी हूँ, लेट्स सी। फाइनली हम एक जगह पे रुके हैं अभी कुछ टाइम के लिए, और फिर अभी आगे जाएंगे। रास्ते में टॉम फोर्ट जा रहे हैं, और वहाँ जाकर आपको वहाँ का व्यूज बताएंगे कि कैसा है क्या है। और रानी आ रही है पीछे से, दिख रही है बोरी, दिखा मिशिका को लेकर रानी आ रही है। उसने मिशिका को वो हॉलिंग बेबी बैग होता है उससे निकाल दिया है और गोद में रखा है, क्योंकि बैठ कर मिशिका बैठ जाती है। उस हॉलिंग बैग में प्रॉब्लम आ रही थी थोड़ी, तो वो घुमाने के लिए। तो मिशिका रोने लग गई। चलो ठीक है, बाय। तो हम फाइनली आ चुके हैं स्मृति वन भिलवाड़ा का। काफ़ी अच्छा है, देखो कितनी पब्लिक आ रखी है यहाँ पे, और ये घूमने के लिए काफ़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और इस तरफ झूले हैं रानी, राजा राजस्थानी पोशाक लहंगा चोली। तो ये पार्क एरिया है बच्चों के लिए खेलने के लिए, और नाइस व्यू। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा पब्लिक आ रखी है, बच्चे आ रखे हैं। और फ्लावर एरिया मतलब गार्डनिंग का एरिया वैसे तो सभी जगह है लगा रखे हैं, पर मेरी फेवरेट चीज, सभी को पता है मेरे को प्लांटिंग का बहुत शौक है। और ये देखिए यहाँ रोज़ेज हैं, पिंक रोज़, रेड रोज़, इसको चारों में ऐसे कवर कर रखा है कि कोई बच्चे या कोई भी यहाँ नहीं जाए। पिंक है, ऑरेंज रोज़ है, वो ऑरेंज रोज़ दिख रहा है आपको बीच में, रेड रोज़ है। वाओ, सुपर्ब। और इसको चारों में ऐसे कवर कर रखा है। हम उस साइड चलते हैं रानी, किधर से? ओके। तो ये बच्चों का प्ले एरिया, ये देखिए बंदर। तो मिशी सॉरी है, रानी उसको घुमा रही है, रानी। तो मिशी सॉरी है, ये देखिए सो चुकी है वो। चलो, ये रहा प्ले एरिया बच्चों का, इसको भी कवर कर रखा है, आप जा सकते हो, खेल सकते हो। और बच्चों के लिए ये सिर्फ। फाइनली हम आ चुके हैं, घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, और अब हम करने वाले हैं कुछ फ़ोटोज़ क्लिक, कुछ रील्स बनाने वाले हैं यहाँ पे। यहाँ का व्यू बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है, और रानी भी मिशिका को लेकर घूम रही है। और काफ़ी अच्छा पार्क है ये, और ये हनी महादेव
टेम्पल है हनी गांव में, उसके पास में है, यहाँ चामुंडा देवी मंदिर भी है पास में, जिसका एक ब्लॉग भी है मेरा चामुंडा देवी का, जो आपने नहीं देखा तो आई बटन पे क्लिक कर कर आप देख सकते हैं। और ये देखिए फाउंटेन है ये, और शायद ये नाइट पे चलता होगा, अभी तो बंद है, लग तो फाउंटेन ही रहा है। इसमें UIT लिखा हुआ है। सो रानी ईशी, ये काफ़ी बड़ा पार्क है, और यहाँ पानी भी आपको मैं बताती हूँ, जस्ट वेट। वाओ, तो ये ग्रीन ग्रास कवर कर रखी है चारों तरफ से, और काफ़ी अच्छा व्यू है। देखिए मिशिका, हम घूम रहे हैं। दिख ही रहा है आपको, थोड़ा सा कैमरा हिल चुका है। सुबह मौसम चेंज हो रहा था, मुझे लगा बारिश होगी, पर बारिश फाइनली नहीं हो रही है। मौसम ठीक है, हल्की सी धूप है, छांव है, तो घूमने वाला मौसम है, ना बारिश हो रही है ना कुछ हो रहा है, तो अच्छा लग रहा है। ओके, तो सब लोग आ रखे हैं। काफी बड़ा है ये, चलते चलते ही थक जाएंगे। ओ, दिखा आपको कुछ? जिस जिसको दिखा प्लीज कमेंट करके बताना कि क्या है। काफी बड़ा पार्क है ये, और हम थक चुके हैं चल चल कर, तो फाइनली अब हम कुछ देर में घर जा रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ अभी तक, तो वाह व्यू भी अच्छा है यहाँ का काफ़ी। ये कुछ भगवान जी का बना रखा है स्थान, आपको दिख रहा होगा, मैं भी नहीं जानती हूँ, जो जो जानते हैं प्लीज कमेंट करना, और जय हो। काफी अच्छा पार्क है ये, काफी अच्छा पार्क है ये। कैमरा रानी को दे रखा है, मैं मिशिका को पकड़ रखा है, रानी का हाथ दर्द हो गया अभी, काफ़ी टाइम हो गया हमको घूमते घूमते, और अब हम जा रहे हैं घर पे। सो फाइनली घर पे जा रहे हैं, हमने काफ़ी इंजॉय किया, काफ़ी देर हो गई हमें यहाँ आए हुए, अब थक चुके हैं चल चल कर, तो फाइनली बाय बाय। फाइनली हम घर आ गए, मिशू रिलैक्स होकर आराम से खेल रही है अपना गेम, और मिशिका खेल रही है, और फाइनली हम घर आ गए। और हम जाना था हमें मानलगढ़ फोर्ट, जो हम नहीं जा पाए, और हम घूम कर आ गए स्मृति वन, क्योंकि मौसम की वजह से नहीं जा पाए, मौसम काफ़ी काफ़ी ज़्यादा ख़राब लग रहा था, पर कुछ नहीं हुआ, नॉर्मल मौसम था, ना धूप थी ना बारिश, एकदम प्यारा सा मौसम था जो घूमने वाला ऑलरेडी होता है। ओके बाय, अब मैं आपसे मिलूँगी मेरी अगली वीडियो पर, जो शायद जल्दी आ जाए। ओके okay.